हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में अपन जो है पहले जो है कल जो अपन ने पढ़ा था, कल रे डायग्राम पढ़े थे, तो कुछ क्वेश्चंस रे डायग्राम से रिलेटेड सोल्व करते हैं, फिर आगे मिरर फॉर्मूला के बारे में पढ़ते हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या है। तो मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पे, देखो क्या क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, लोकेट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी पॉइंट को लोकेट करना है इस डायग्राम में, एंड स्फेरिकल मिरर, साथ में स्फेरिकल मिरर को भी ड्रॉ करना है, ठीक है, लोकेट करना है फॉर गिवन रियल इमेज। अब ये इमेज रियल है, ऑब्जेक्ट भी रियल है, तो अब ये देखना है आपको कि ऐसे सिचुएशन में मिरर को कौन सी पोजीशन पे लगाएं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आ गया है, पहले क्वेश्चन सोल्व करो, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो 2 मिनट के लिए, सोल्व करने के लिए रे डायग्राम जो आपने सीखे ना उसके बेसिस पे ट्राई करो कि ऐसा रे डायग्राम कब बन सकता है, ठीक है। तो मैं कंटिन्यूस में सोल्व करता हूँ, देखो क्या अभी प्रिंसिपल एक्सिस दिया हुआ है आपको। अब देखो मिरर कहाँ हो सकता है, पहले तो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस से ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, ये इमेज का हाइट छोटा आ रहा है, ठीक है। अब ये भी रियल है और ये भी रियल है इन्वर्टेड, तो रियल इन्वर्टेड इमेज छोटी कब बनी थी देखो जरा, आप देखोगे तो आपको पता लगेगा जब ऑब्जेक्ट था किस किस के बीच में, सी और इनफाइनाइट के बीच में, और यहां कहीं फोकस रहा होगा और इस टाइप से मिरर रहा होगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो इमेज बनेगी ना वो इमेज छोटी सी इमेज बनेगी। देखो मैं बना के भी बताता हूँ, ये इंसिडेंट रे चला देते हैं यहां से, ये इंसिडेंट रे चला दी मैंने, ये तो इंसिडेंट रे आ गई, ये जाके यहां से टकराने के बाद फोकस से पास होके जा रही है, ठीक है। और जो दूसरी रे है ये रे बना दी मैंने दूसरी इस टाइप से, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को थोड़ा उधर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि इमेज वो वहाँ बन जाए, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो ये रे जाके रिट्रेस होगी, तो मैंने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मिला दिया, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पे जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस कट करेगा ना वही सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को लोकेट कर दिया अपन ने, मिरर को लोकेट कर दिया। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इधर भी हो सकता है क्या मिरर, मिरर का पोजीशन क्या इधर हो सकता है, जरा चेक करके देखते हैं ऐसा हो सकता है क्या। ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, क्या ये मिरर ऐसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया था मैंने और यहाँ इमेज बनाई थी, तो आप देखोगे ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। अब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे होता ना ऐसी पोजिशन पे, तो ये इमेज जो है इमेज की साइज बड़ी बननी चाहिए थी, ठीक है। इमेज की साइज क्या होनी चाहिए थी यहाँ पे, बड़ी, तो ये तो हो नहीं सकता। किसी के दिमाग में ऐसा हो सकता है, सर कॉनकेव मिरर ही क्यों लिया आपने, यहाँ तो ऐसा केवल स्फेरिकल मिरर लिखा है, तो आपने कॉनकेव ही क्यों लिया, कॉनवेक्स क्यों नहीं ले लिया। तो कॉनवेक्स क्यों नहीं ले लिया, क्योंकि जो रियल ऑब्जेक्ट है कॉनवेक्स तो क्या करता है, रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाता है कॉनवेक्स, वो तो वर्चुअल इमेज बनाता है, तो कॉनवेक्स नहीं हो सकता, क्लियर है। रियल ऑब्जेक्ट क्या करता है, सॉरी कॉनवेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है हमेशा, ठीक है। बट कॉनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, जो अपन ने रे डायग्राम से भी समझा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या देखो, कैलकुलेट इमेज पोजीशन एंड शेप ऑफ इमेज यूजिंग रे डायग्राम। अब इसमें ऑब्जेक्ट लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, ये मिरर आ गया मेरे पास, मिरर कौन सा आ गया, कॉनकेव मिरर आ गया, यहां पे जो है यहां कहीं ना कहीं फोकस वाला पॉइंट होगा, यहां कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, देखो पहले ऑब्जेक्ट का शेप पता लगा लेते हैं, ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, फिर आप इमेज का शेप पता लगाना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है यहां से जा रहा है और यहां तक है, इस टाइप का है ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ एरो बना दी है, ये इस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना के देखो जरा कैसी बनेगी, वीडियो पॉज करो, 2 मिनट का टाइम है। आप देखो अभी तो क्या है, मैंने सब्जेक्टिव पैटर्न का क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब्जेक्टिव पैटर्न में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, पर जब आपके पास जेई या नीट का क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, चार ऑप्शन होगा तो आप खटाखट से सोल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है। कोई ऑप्शन कैंसिल किया उससे थोड़ा दिमाग जल्दी से काम करेगा, अभी थोड़ा सब्जेक्टिव है तो आपको टाइम लग रहा होगा, फिर भी वीडियो पॉज करो, 2 मिनट का टाइम है, सोल्व करो जरा, मैं सोल्व करता हूँ अगेन कंटिन्यूस, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करूँ, पहले आप ध्यान रखना हमेशा जब भी क्वेश्चन है क्वेश्चन सोल्व करो, जैसे ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने बोर्ड पे, तो पहला काम क्या है आपको, क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करो, वीडियो को पॉज करो, पहले क्वेश्चन कॉपी करो, ठीक है। क्वेश्चन कॉपी कर लिया, फिर वीडियो सोल्व, वीडियो को पॉज रहने दो, क्वेश्चन को सोल्व करो।
2 मिनट 3 मिनट जितना भी टाइम अपने अकॉर्डिंग देखो, मैं हर बार वीडियो में आपको बताऊं कितनी देर है, तो 2 मिनट में आप क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है? हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वीडियो ऑन करो, ठीक है? फिर आप उसका सोल्यूशन देखो। अगर आपको बीच में कहीं लगता है हाँ मुझे हिंट मिल गया है, तो वापस वीडियो पॉज करके वापस से अपने से खुद से सोल्व करो। अगर आपको सीखना है ना तो खुद से सोल्व करना पड़ेगा, मेरे सोल्व करने से नहीं सीख पाओगे। जितना ट्राई करोगे ना अपने आप से सीखने के लिए, तभी आपका प्रैक्टिस अच्छे से होगा और सीखोगे आप, क्योंकि गलतियां करोगे तो जाके सीखोगे, ठीक है? तो अभी मैं बता के देखता हूँ जरा इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसी बनेगी। ये ऑब्जेक्ट आ गया, सबसे पहले तो रे डायग्राम से आप ये देखो, इस पॉइंट की इमेज जो है, इस पॉइंट की इमेज जस्ट यहीं पे बनेगी क्या, यहीं पे, इसी पॉइंट पे नीचे। और आपको पता है इक्वल साइज की इमेज बनती है क्या, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ऐसी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया तो इमेज भी यही बन गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इक्वल साइज की बन गई है। अब ये एरो उस डायरेक्शन में जा रहा है, एरो उस डायरेक्शन में जा रहा है मतलब इमेज इधर आ रही होगी, ठीक है? अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट यहां, अगर मैं इस पॉइंट पे, जैसे अपन ने प्लेन मिरर में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई थी ना, ऐसे इसमें भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मान लेता हूं मैं, मैंने ये दूसरा पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट की इमेज यहां की बनेगी क्या, ये इमेज बनेगी यहां पे, और इमेज बड़ी साइज की बनेगी, मतलब ये जो एरो है ना, ये एरो इस टाइप से शिफ्ट हो जाएगा यहां पे, ठीक है? इस टाइप से सर्व का इमेज बनना चाहिए, क्लियर है? ये एरो की इमेज देखोगे तो ये एरो यहां आके बन जाएगा, ठीक है? तो इस टाइप से आप इसका इमेज बना सकते हो। एग्जैक्ट पोजीशन भी दे दी जाए तो एग्जैक्ट इसका एग्जैक्ट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया जाए ना, तो वो भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं मिरर फॉर्मूला से, जो कि आज वाले लेक्चर में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अगर यही एरो का साइड इस साइड होता तो फिर आंसर क्या होता, जरा उसका भी आंसर सोच लो आप लोग। अगर ये जो एरो बनाया है मैंने, ये सी, ये एफ, अगर यहाँ पे ये एरो इधर होता तो उसका आंसर सोचो जरा वीडियो पॉज करके, कि इस एरो का आंसर क्या होता फिर, ठीक है? मैं बता रहा हूं देखो कंटिन्यूस में कैसा आंसर होता है। अगेन तो ये वाला जो एरो है ना, इस पॉइंट का इमेज, इस पॉइंट का इमेज तो अगेन यहां बनता गया, और ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का इमेज यहां बनता है इधर, पर छोटा इमेज बनता है ये जो इसका इमेज है ना, इस पॉइंट का इमेज, ये सी से इधर है ना, तो इसका इमेज क्या बनेगा, इस हेड वाले पॉइंट का छोटी इमेज बनेगी, मतलब उस सिचुएशन में इमेज ये इस टाइप की बनती, ठीक है? सी वाला इमेज तो सी पे बन गया, क्लियर है? ये सी वाला पॉइंट तो सी का इमेज सी पे बनता है, ध्यान रखना। इनफाइनाइट, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी, ऑब्जेक्ट फोकस पे है इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी, सी पे है तो सी पे होगा। ये आपको जो सारे पॉइंट्स मैंने लिखाए थे पिछले लेक्चर में, अपन ने रे डायग्राम डिस्कस कर दी, वो सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए ये क्वेश्चन सोल्व करने तो, ठीक है? नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, जरा मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट किस टाइप का, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है? अब रेक्टेंगुलर प्लेट की थिकनेस h है या विड्थ h है, और ये इनफाइनाइट तक जा रही है प्लेट, और यहाँ मिरर लगा दिया, इसका एक एंड तो इनफाइनाइट तक जा रहा है और एक एंड c तक आ रहा है, c से आगे प्लेट नहीं है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है? f मिरर, f के फोकल लेंथ ऑफ मिरर, कैलकुलेट एरिया ऑफ इमेज। इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी ना इस मिरर में, पहले तो वो इमेज बना के देखो आप, फिर उस इमेज का कितना एरिया आ रहा होगा ये कैलकुलेट करो। तो पहले क्वेश्चन लिखो आराम से, फिर वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ट्राई करो। क्वेश्चन लिखना है और सोल्व करो तो उसके लिए अलग डायग्राम बनाना, ताकि आपके नोट्स प्रॉपरली बने, ठीक है ना? तो यहां से क्या करना है आपको, पहले क्वेश्चन लिखो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो इसको सोल्व करने के लिए। मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ, ठीक है? क्या है देखो सोल्यूशन, इसको सोल्व कर देता हूं मैं, तो यहीं पे सॉल्यूशन लिख देता हूँ, स्पेस नहीं मेरे पास नीचे, इसलिए यही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है? तो देखो क्या करना होगा आपको, इक्वेशन मिटा दिया मैंने, क्वेश्चन मिटा दिया। अब पहले तो आप ये देखो अलग अलग पॉइंट्स की इमेज बना लो, अलग अलग जो भी पॉइंट्स है ना सभी पॉइंट्स की इमेज बना लो आप। अब सब पॉइंट की इमेज कैसे बनेगी देखो, पहले इनफाइनाइट वाले पॉइंट की इमेज बना लेते हैं, और सी वाले पॉइंट की इमेज तो आपको बनाना आती है क्या? ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, सी पे तो इमेज कैसी बन जाएगी, सी पे तो इमेज इक्वल साइज की बन जाएगी, मतलब ये वाला जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वही सेम हाइट जो है इमेज का भी हो जाएगा ये वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे। और आपको पता है ये इनफाइनाइट वाला ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनने वाली है क्या, ठीक है? तो ये इमेज इस टाइप से बनेगी यहाँ पे, तो ये इमेज वाला, ये ब्लैक ब्लैक शेड कर दिया मैंने इमेज, ठीक है? वापस रिपीट करता हूँ, ये यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ये एच हाइट का, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है क्या, सी पे? तो सी पे आपको पता है एक केस पड़ा था सी वाला ऑब्जेक्ट, तो जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है ना तो इक्वल साइज की इमेज बनती है और अपोजिट बनती है, ठीक है ना? इन्वर्ट हो जाती है बस वो रियल इमेज। तो मैंने इस इमेज का तो एज इट इज यहां बना दिया, इनफाइनाइट वाली इमेज फोकस पे बना दी, तो इस टाइप की इमेज बन गई है।
अब इस इमेज का एरिया निकाल लेते हैं कितना एरिया आएगा। ठीक है, अब आपको पता ही है ये पॉइंट पोल होता है क्या, पोल से फोकस का डिस्टेंस एफ और यहां से यहां का डिस्टेंस भी एफ होगा क्या, क्योंकि जो आर होता है वो आर कितना होता है, फोकल लेंथ कितना आर बाई टू लिखाया था क्या आपको, मीन्स आर कितना होगा टू एफ, मतलब यहाँ ये जो पोल है ना ये पोल सी और सॉरी फोकस, ये फोकस जो है ना वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है पेरेक्सियल रे के केस में। ठीक है, तो r इक्वल टू f बाई टू कल प्रूफ किया था अपने, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस f हो गई, ये h हो गई, तो एरिया ऑफ इमेज क्या आ गई है, इमेज को अगर मैं देखू तो ट्राइंगल हो गए क्या, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा ट्राइंगल का एरिया, अब ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिख सकते हो बोलो जरा, हाफ बेस हाइट, तो कितना आ गया देखो एरिया, ये जो एरिया ऑफ इमेज बनाई है मैंने, ये जो इमेज बनाई है उसका एरिया 1/2, बेस कितना लिख दो यहां से हम फोकल लेंथ के बराबर इनटू h, तो आंसर हो जाएगा आपका fh/2। ठीक है, वैसे जब क्वेश्चन दिया होगा तो h कम दिया होगा, h कम क्यों, ताकि पेरेक्सियल कंसीडरेशन हो जाए, और देखो तो मैंने भी स्ट्रिप थोड़ी छोटी बनाई, ज्यादा ही छोटी बना देता तो ट्राइंगल वो सही से विजुअलाइज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पेरेक्सियल कंसिडर कर लेना आपने को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो इसी पैटर्न पे क्या है, अगला क्वेश्चन मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ऐसा पूरा का पूरा बड़ा सारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर ऑब्जेक्ट आ गया, अब ये ऑब्जेक्ट कहीं सी पे नहीं रखा, ये सी पे नहीं रखा है ना एफ पे, ऐसा कुछ नहीं, ड्रॉ इमेज ऑफ स्क्वायर ऑब्जेक्ट। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, बस इस ऑब्जेक्ट की इमेज ड्रॉ करके बता देनी है, और कुछ एरिया वगैरह कैलकुलेट नहीं करना। दूसरा एक आइडेंटिफाई भी कर लेना है, आइडेंटिफाई ज्योमेट्री ऑफ इमेज, जो इमेज बनेगी ना उसकी ज्योमेट्री कैसे होगी, जैसे यहाँ जो इमेज की ज्योमेट्री थी वो ट्राइंगल थी क्या, तो यहाँ पे इमेज कैसी बनेगी, स्क्वायर शेप की होगी या ट्राइंगल होगी या कुछ और होगा, ये आपको गेस करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नोट करो, वीडियो पॉज करो, 2 मिनट का टाइम देता हूं, सोल्व करो, मैं सोल्व करता हूँ कंटिन्यूस में। देखो क्या है, देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को लिंक कर दूं यहां से, तो देखो हुआ क्या है, ये इतना पार्ट रह गया क्या, यहां से यहां तक का स्क्वायर बन गया, ये ऐसा स्क्वायर बन गया। ठीक है, बाकी ये वाला पार्ट हटा देना है क्या, पूरा ये वाला पार्ट हटा देना है पूरा, तो ये इधर वाला पार्ट हटा, तो इधर वाला पार्ट यहां से हट गया होगा, कुछ थोड़ा पार्ट इधर से भी हट गया होगा, तो ये कैसी शेप बनेगी, इस टाइप का इमेज बन जाएगा, और ये इमेज किस टाइप का होगा, इमेज का शेप होगा क्या, ट्रेपेजियम होगा। ठीक है, तो ट्रेपेजियम बना देना है, तो मैं यहाँ पे भी बना लेता हूँ इस टाइप को। ठीक है, तो वैसे तो डायग्राम बनाऊ तो इसी में सोल्व कर देता हूँ, यही सोल्यूशन लिख देता हूँ। देखो क्या है, पहले तो मैं ये पॉइंट की इमेज बना लेता हूँ, ये इसका इमेज जो है, इसका इमेज यहाँ बनेगा, अब ये इन दोनों में से ये है और एक ये है, इसका इमेज छोटा होगा, इसका इमेज छोटा होगा, इसका इमेज थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा हो गया, पर इससे तो छोटा होना चाहिए, इसके बराबर तो तब होता जब ये सी पे होता, तो इस टाइप की इमेज बनेगी, छोटा सा ट्रेपेजियम नन्ना सा। ठीक है, तो ये तो अपन ने इमेज ड्रॉ कर ली। ठीक है, पूरा रे डायग्राम बना के नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, रे डायग्राम बनाओ तो देखो कैसा बनेगा, पैरेलल रे आ रही है, पैरेलल रे कहाँ से जाएगी, फोकस से, और ये फोकस से जाती हुई ऐसे चली गई है। ठीक है, तो इस टाइप से देखो, ये आपको ये भी लग रहा होगा कि इसके दिमाग में ऐसा भी डाउट आ सकता है कि सर ये स्ट्रेट लाइन ही क्यों बना रहे हो आप, ये स्ट्रेट लाइन ही क्यों बनाई आपने। ठीक है, तो उस स्ट्रेट लाइन का आंसर भी मिल गया, क्योंकि पैरेलल रे है, ये पैरेलल रे कहाँ से जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन में, हो सकता है कि इसके दिमाग में सर पैराबोला क्यों नहीं बना दिया आपने। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का ये आंसर भी आपको समझ आ गया होगा कि ये पैरेलल रे आई, टकराने के बाद कैसे जाएगी है, फोकस चली जाएगी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। बाकी एक और इमेज बनानी है आपको, इस पॉइंट की इमेज बनानी है, तो इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो, इस पॉइंट की बनानी है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब तक तो अपन ने क्या क्या कर लिया, अब तक जो है अपन ने रे डायग्राम बना लिए, स्फेरिकल मिरर के बेसिक स्फेरिकल मिरर पढ़ा, रे डायग्राम बना लिए, और उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन अभी मैंने लेटेस्ट कर दिए। ठीक है, अब अपन जो है रे डायग्राम में क्या है ना, अपने को ये नहीं पता पड़ता कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन, ओनली अपन ने पोजीशन पता कर ली कि कौन इनफाइनाइट से सी होगा तो एफ सी, जो भी इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ रही है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी, मान लो मिरर ऑब्जेक्ट को मिरर से 100 सेंटीमीटर पर रख देता हूं, तो इमेज एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी, वो पोजीशन निकालने के लिए क्या है, एक फॉर्मूला है, उसको बोला जाता है मिरर फॉर्मूला, नाम है मिरर फॉर्मूला, या आप मिरर इक्वेशन भी बोल सकते हो, द मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला। तो मैं लिखता हूं मिरर फॉर्मूला, देखो क्या है, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं, क्या है फॉर्मूला, एनसीईआरटी में मिरर इक्वेशन के नाम से है द मिरर इक्वेशन। तो मिरर इक्वेशन क्या है, देखो लिख लेते हैं, तो मिरर इक्वेशन है 1/v + 1/u = 1/f।
क्लियर है, ये मिरर इक्वेशन आ गई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये v क्या है, u क्या है, f क्या है, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला जो है इसका डेरिवेशन बताऊंगा मैं लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में इसका डेरिवेशन सोल्व करते हैं। अभी आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब एक टर्म और आती है मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, देखो जो अपन ने वहां पे रे डायग्राम बनाए थे ना उसमें लिखा था अपन ने जो इमेज बन रही थी उसकी साइज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी थी या छोटी थी, एनलार्ज है मतलब मैग्निफाइड इमेज है, मैग्निफाइड मतलब उसका मैग्निफिकेशन हो गया, ठीक है। डिमिनिश है मतलब उसका इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से कम हो गया। मान लो मैग्निफिकेशन का वैल्यू है 3, मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, मान लो मैग्निफिकेशन का वैल्यू आ गया 3, इसका मतलब जो है इमेज जो है ना, इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से 3 गुना ज्यादा है, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहां मैं एक टर्म लिख रहा हूं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या है, देखो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को डिनोट किया जाता है एम से, ये इसका वैल्यू होता है एच आई अपॉन एच ओ। एच आई जो है मैंने इमेज के लिए लिखा है, एच ओ जो है ऑब्जेक्ट के लिए लिखा है। वैसे तो अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे एनसीईआरटी में या फिर कोई भी बुक्स में तो एच आई को हाइट ऑफ इमेज बोला जाता है, एच ओ को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोला जाता है, पर मैं यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना बोल के कुछ और टर्म लिखूंगा, उससे आपको जो है क्वेश्चन सोल्व करने में इजीली सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अब ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू आती है माइनस वी अपॉन यू के बराबर। अब ये वी और यू क्या है, यहाँ जो वी था ना वही है, अब यहाँ वी यू एफ क्या है उसके बारे में भी अपन आगे बात करते हैं। अभी मैं नीचे पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये वी क्या है, यू क्या है, एफ क्या है, ठीक है। तो इसको माइनस वी बाई यू के इक्वल लिखा जा सकता है, इसको एक और टर्म में लिखा जा सकता है एफ अपॉन एफ माइनस यू, ठीक है, एफ अपॉन एफ माइनस यू भी लिखा जा सकता है, या एफ माइनस वी अपॉन एफ। एफ क्या है यहाँ पे फोकल लेंथ है, एफ क्या है यहाँ फोकल लेंथ आ गई, ठीक है। वी और यू क्या है उसके बारे में लिख लेते हैं हम। अब एक टर्म जो है आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, मिरर इक्वेशन, ये मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला बोल दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, और साथ में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्यों बोल रहा हूँ, देखो इसको जैसे यहाँ पे इस टाइप का मिरर है, ठीक है, और यहाँ C आ गया, यहाँ F, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने मान लो। अब इमेज मुझे पता है यहाँ बनेगी इस टाइप के उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है। तो ट्रांसवर्स मान लो ये वाला जो ऑब्जेक्ट का साइज है ना, ऑब्जेक्ट का साइज है मान लो 6 सेंटीमीटर और इमेज का हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है। मैग्निफिकेशन कितना आ गया 1/3। अब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अभी मैग्निफिकेशन की सारी टर्म के बारे में बता देता हूं इसका क्या क्या मतलब है। अगर मैग्निफिकेशन मोड m ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब जो इमेज है ना, इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज इमेज मतलब बड़ी साइज की इमेज बनेगी। साथ में अगर मोड m लेस देन 1 है तो डिमिनिश इमेज बनेगी, डिमिनिश का मतलब छोटी साइज की इमेज होगी, इमेज की जो साइज है वो कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इमेज की साइज कम हो गई तो इस सिचुएशन में मोड एम का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1, क्लियर है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होता, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं होता तो इमेज यहाँ बनती, तो उसके लिए जो है एम ग्रेटर देन 1 हो जाता, ये ऑब्जेक्ट होता ये इमेज होती तो एम ग्रेटर देन 1 हो जाता। ये मोड एम इसलिए लिखा है ताकि नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना लेना है। अब एक टर्म और बता देता हूँ, अगर एम का वैल्यू नेगेटिव है, एम का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब जो है इन्वर्टेड इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज आ गई। साथ में अगर एम का वैल्यू पॉजिटिव है तो इरेक्ट इमेज बनेगी, क्लियर है। एम का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव से आपको क्या पता लगेगा, जैसे अभी मैं यहाँ पे रखू इस वाले ऑब्जेक्ट की बात करूं जो ब्लू वाला डायग्राम बनाया था मैंने, यहां मैं एम का वैल्यू लिखूंगा तो ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है। इन्वर्टेड या उल्टी इमेज बनेगी ना, जब भी उल्टी इमेज बनेगी इन्वर्ट टाइप की, या इसको उल्टी इमेज बोलते हैं, तो नेगेटिव आएगा। एम पॉजिटिव आ रहा है मतलब इरेक्ट इमेज बनेगी, इरेक्ट या सीधी इमेज, ठीक है। अब देखो जो मिरर फॉर्मूला है इसमें अपन ये समझते हैं कि यू वी एफ एच ओ एच आई ये सारी टर्म क्या है, ठीक है। तो इन सभी का टर्म का मतलब समझने के लिए उससे पहले मैं एक टर्म्स डिफाइन करता हूं यहाँ पे, साइन कन्वेंशन, जो कि आपको हर क्वेश्चन सोल्व करने से पहले भी डिफाइन करना पड़ेगा कि साइन कन्वेंशन क्या टर्म है। तो हर क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन सोल्व करोगे
तो पहले आपको साइन कन्वेंशन असाइन करना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन अपन कैसे साइन कर रहे हैं, देखो वी आर यूजिंग कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन, मतलब अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे समझते हो ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। तो अब यहाँ मिरर में अपन एक्स एक्सिस किसको ले, वाई एक्सिस किसको ले, ये अपने को देखना है, ठीक है। और हर क्वेश्चन ध्यान रखना, आप कोई भी बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें ऐसे कुछ भी हर बुक्स में अलग अलग लिखा होगा, ठीक है। तो जो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन ले रहा हूँ ना, वो साइन कन्वेंशन अगर आप उस साइन कन्वेंशन से क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपके ज्यादातर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन के आंसर सही निकलेंगे, ठीक है। अगर बुक्स वाले लोगे तो कुछ में आंसर मिल जाएगा, कुछ में नहीं मिलेगा। तो जो साइन कन्वेंशन में बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। पहला क्या है, पहला पॉइंट, टेक ओरिजिन एट पोल, ठीक है। आप सबको पता है, कोई भी मिरर लोगे, जैसे मैं एक मिरर लेता हूँ, ये मिरर मैंने ले लिया यहाँ पे, इस मिरर में एक पोल होगा क्या, उस पोल को आपने क्या साइन कर लिया, इस पोल को पी को 0.0। पहला पॉइंट इजी है क्या, तो आपने क्या किया, ओरिजिन को तो पोल असाइन कर लिया एट एक्स एक्सिस अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस को अपन ने क्या मान लिया, एक्स एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस को मैंने क्या मान लिया, एक्स एक्सिस। दूसरा समझते हैं जरा, टेकिंग पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग दी इंसिडेंट लाइट रे। मान लो अगर यहां भी ऑब्जेक्ट रखा है, यहां भी ऑब्जेक्ट रखा है, तो मैं इंसिडेंट रे किधर चलाऊंगा, यहां से जो इंसिडेंट रे इधर जाएगी। अब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेनी है, इसका मतलब ये इंसिडेंट रे राइट डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब ये प्लस एक्स एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया प्लस एक्स, ठीक है। ये तो यहां तो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अब ये अगर पॉजिटिव एक्स है तो यहां क्या हो गया, माइनस एक्स एक्सिस। पोल को अपन ने 0.0 साइन कर लिया, स्टेप नंबर टू क्लियर है। थर्ड स्टेप समझ लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट आर टेकन पॉजिटिव अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसके ऊपर क्या होगा अपना, वाई कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा तो ये प्लस वाई हो गया, ये माइनस वाई हो गया, क्योंकि ये पोल 0.0 है ना, तो ये एक्सिस अपना क्या हो गया, वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस टाइप से पहला स्टेप तो क्या करना है आपको, पोल असाइन कर लेना है 0.0 पे, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लेना है, ठीक है। दूसरा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, तो इधर प्लस एक्स आ गया, इधर माइनस एक्स आ गया। देखो क्या होगा, मान लो ये मिरर इस टाइप से लगाओ, मान लो ये जो मिरर है इस टाइप का मिरर आ जाए, ये मिरर इस टाइप का आ गया, कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, इस टाइप से, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, ये तो पोल, ये तो 0.0 तो क्या हो गया, पोल हो गया। दूसरा इंसिडेंट रे अब इधर आ जाएगी, इंसिडेंट रे इधर आ गई, मतलब प्लस एक्स यहां मानना है और माइनस एक्स यहां मानना है, प्लस वाई तो ऊपर ही होगा, माइनस वाई नीचे ही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगा उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानना है, बाकी जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो तो आपका एक्स एक्सिस होगा, उसके परपेंडिकुलर ओरिजिन से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ करोगे वो वाई एक्सिस हो गया। अब अपने दिमाग में जो था यू वी एंड एफ, U क्या है देखो, U V F R X कोऑर्डिनेट्स, ये सब के सब क्या है, U V F सब X कोऑर्डिनेट है। अब किस किस के हैं, X कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला U तो किसका हो गया, ऑब्जेक्ट का, V किसका हो गया, इमेज का, एंड F किसका हो गया, फोकस, ठीक है। यू वी एफ आर एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज एंड फोकस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट। ध्यान रखना, बुक्स में लिखा होता है यू जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, वी जो है इमेज का डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, तो ऐसे दिमाग में नहीं रखना, जो मैंने बताया ना एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि अपन ने कोऑर्डिनेट की टर्म में सोल्व करेंगे, इससे आपके परफेक्ट सारे क्वेश्चन के आंसर सही निकलेंगे, ठीक है ना। वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हर न्यूमेरिकल में कभी यू पॉजिटिव ले लेगा, कभी यू नेगेटिव, कभी वी पॉजिटिव, कभी वी नेगेटिव, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो पहला तो ये यू वी एफ के बारे में आ गया। दूसरा एक और पॉइंट समझ लेते हैं, एक टर्म और आई थी एच आई एंड एच ओ, ये देखो ये क्या है, आर वाई कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ, पहला है इमेज का एंड दूसरा है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, क्लियर है। बुक्स में अगेन फिर बोल रहा हूं, बुक्स में इसको लिखा तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो भी ठीक है, पर उसमें आपको क्वेश्चन सोल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो है आंसर गड़बड़ हो जाएगा। साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो हर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर निकलेगा आपको,
तो यू वी एफ आपको क्या मानना है, एक्स कोऑर्डिनेट है, यू किसका ऑब्जेक्ट का, वी किसका इमेज, आपको इतना तो पता है यू ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, इमेज फोकस, तो ये यू वी एफ एक्स कोऑर्डिनेट है, एच आई एच ओ हाइट मत लिखना, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, ठीक है, तो ये वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज हो गया, क्लियर है। तो इस टाइप से साइन कन्वेंशन क्लियर हो गए। अब जो है मैं आगे एक एक करके दोनों मिरर के बारे में बता देता हूं कि दोनों मिरर में जो है किस टाइप से फोकस लिखना होगा आपको, ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा तो यू पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, तो इस टाइप से अपन लिख लेते हैं आगे। तो अब ये समझते हैं अपन जो है मिरर के साथ साइन कन्वेंशन कैसे लगाना है, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन में या तो कॉनकेव मिरर होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा, प्लेन मिरर होगा, तो प्लेन मिरर के बारे में तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। प्लेन मिरर की इमेज कैसे बनानी है, जो प्लेन मिरर की इमेज, इमेज का प्लेन मिरर से डिस्टेंस होगा वो उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो प्लेन मिरर का तो अपन डायरेक्ट इमेज बना लेंगे। स्फेरिकल मिरर में दो टाइप के जो कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर हो सकते हैं, तो उसमें साइन कन्वेंशन कैसे लगाना है, ठीक है। साइन कन्वेंशन के बारे में जनरली ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा जाता कि एक्सप्लेन साइन कन्वेंशन, ठीक है ना, आपको साइन कन्वेंशन कोई नहीं पूछने वाला। साइन कन्वेंशन को न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करना है ये आपको आना चाहिए। तो अब मैं ये आपको सिखा रहा हूँ कि अगर कॉनकेव मिरर आ गया तो क्या करना है, कॉन्वेक्स मिरर आ गया तो क्या करना है। तो पहले समझते हैं कॉनकेव मिरर के लिए, तो मैं कॉनकेव मिरर बना लेता हूँ, कॉनकेव मिरर में समझ लेते हैं साइन कन्वेंशन किस टाइप से लेना है। यहाँ पे मैंने कॉनकेव मिरर बना लिया है, ठीक है, और ये लाइन बना दी मैंने प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर ये पॉइंट पोल है पी, तो इसको 0.0 साइन कर लेना। पहला पॉइंट क्या बोला था मैंने, पोल को 0.0 मान लो। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको अपन ने एक्स एक्सिस मान ली, ठीक है, मान लिया। यहाँ ये फोकस आ गया, यहाँ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। अब मान लो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट जो है कहाँ है, यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा है, ये यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट आ गया। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी इमेज बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इंसिडेंट रे इधर जाएगी क्या, इंसिडेंट रे इधर जाएगी, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या हो गया, प्लस एक्स। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मैंने क्या लिखा था, प्लस एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया, इधर इधर हो गया माइनस एक्स, और ऊपर प्लस वाई, नीचे माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट के लिए जो है यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे अगर देखो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यू क्या आएगा, यू क्या लिखा था मैंने, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या मैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखूंगा, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा क्या, मतलब यू का वैल्यू क्या आ गया आपका, नेगेटिव। कितना आएगा वो, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दिया होगा ऑब्जेक्ट का पोल से, जो भी डिस्टेंस दिया हो, मान लो यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो यू का वैल्यू आपको क्या लिख लेना है, -20, ठीक है। अब फोकल लेंथ लिखता हूँ, फोकल लेंथ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव आएगा क्या, तो एफ का वैल्यू भी क्या आ गया, नेगेटिव। जो पहले फॉर्मूला लिखा था ना, 1/v + 1/u = 1/f, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपको, लोकेट पोजीशन, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज पूछा जाएगा, तो आपको u और f दे दिया जाएगा, v कैलकुलेट करना होगा, तो u की जगह आप ये लिख लोगे यहाँ, अगर ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 20 है तो u की जगह -20 लिख लेना। एफ नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इसमें यहाँ पे पोल को 0.0 माना, इधर वाली इधर जो भी होगा, अगर फोकस इधर होता तो पॉजिटिव, इधर है तो नेगेटिव, ऑब्जेक्ट भी इधर है नेगेटिव। अब v क्या आता है, v, अब v जो भी आएगा मान लेते हैं, अब इन दोनों को मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, मान लो मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लगा लिया। अब फॉर्मूला लगाने पे क्या क्या हो सकता है, देखो v जो है दो टर्म हो सकती है, v जो है या तो पॉजिटिव हो जाए, या v अगर पॉजिटिव हो गया और v अगर नेगेटिव हो गया, v अगर पॉजिटिव हो गया तो इमेज किधर बनेगी, राइट साइड में, v अगर जो है पॉजिटिव हो गया तो इमेज राइट साइड में बनेगी, और v नेगेटिव हो गया तो इमेज लेफ्ट साइड में बनेगी। अब अगर v राइट साइड में, v पॉजिटिव है, तो ये जो लाइट रे है देखो, यहां से टकराने के बाद अगर इस लाइट रे को मैं चलाता हूं, तो यहां से अगर ये v पॉजिटिव होता है, ऐसी सिचुएशन में अगर v पॉजिटिव है तो इमेज राइट में बन रही है, और v नेगेटिव है तो इमेज लेफ्ट में बन रही है, ठीक है। अब v पॉजिटिव है, इमेज यहां v पॉजिटिव होगी ना, तो इस सिचुएशन में जो है इमेज वर्चुअल बनेगी, और v नेगेटिव है तो इस सिचुएशन में इमेज रियल बनेगी। देखो कैसे भी बता देता हूँ, जब पहले रे डायग्राम बनाए थे क्या, रे डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो, कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम, कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम देखोगे ना, तो क्या होगा उस सिचुएशन में, कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम में अगर आप देखोगे तो उसमें एक ही सिचुएशन पाओगे क्या, कि जब इधर वो इमेज बनी थी राइट साइड में, जो इमेज बनी थी क्या वो वर्चुअल इमेज थी क्या,
वर्चुअल इमेज बनी थी क्या, लास्ट वाला केस उसमें भी पॉजिटिव हो गया, और इधर जब जब भी इमेज बनी थी तो वो रियल इमेज थी सारी, और उन सब में भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये तो कहानी हो गई कौन से मिरर की, कॉनकेव मिरर की। ऐसे सेम जो है कॉन्वेक्स मिरर की भी हो सकती है, तो कॉन्वेक्स मिरर की भी समझ लेते हैं जरा क्या होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी समझ लिया, ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। इस पॉइंट को सबसे पहला काम पॉल को 0.0 असाइन कर लिया। ये वाली लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को मैंने एक्स एक्सिस मान लिया। अब इसमें यहाँ कहीं फोकस होता है, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यहाँ अगर ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, तो इंसिडेंट रे कैसे आएगी, देखो इंसिडेंट रे ऐसी आ रही, इंसिडेंट रे ऐसी आ रही, तो प्लस एक्स हो गया और ये माइनस एक्स हो गया। अगर ये प्लस एक्स हो गया और ये माइनस एक्स हो गया, तो ऑब्जेक्ट अब यहाँ ऊपर प्लस वाई और नीचे माइनस वाई। तो अब अगर मैं यहाँ देखूंगा तो यहाँ भी यू क्या आ रहा है, देखो यू तो क्या आ रहा है इस सिचुएशन में, अगर यू देखूंगा तो नेगेटिव आ गया, यू नेगेटिव आ गया, एंड फोकल लेंथ इसमें पॉजिटिव आएगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों आएगा, देखो ये पॉइंट तो 0.0 है क्या, फोकस यहाँ है क्या, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है क्या फोकस, और ऑब्जेक्ट किधर, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो यू तो मैंने नेगेटिव लिख लिया, एफ पॉजिटिव लिख लिया। अगेन मैं यहाँ से फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ से फॉर्मूला लगा के क्या देखूंगा कि जो वी है वो वी कैसा आ रहा है, वी या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अगर वी पॉजिटिव है, वी पॉजिटिव है मतलब इमेज इस साइड में बन रही है, मतलब वो इमेज कैसी होगी, इमेज जो होगी वर्चुअल होगी। और अगर वी नेगेटिव आ गया, वी नेगेटिव आ गया तो इमेज कैसी आ गई, रियल आ गई। ठीक है, इस केस में जो है ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यू नेगेटिव है ना, तो यू नेगेटिव है तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये रियल ऑब्जेक्ट है क्या, यहां से इंसिडेंट रे कटती हुई लग रही है ना आपको, रियली में कट कर रही है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब जो है एक टर्म और समझाता हूं, देखो क्या है, कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, देखो कोई भी एक मिरर ले लेता हूं, ये वाला मिरर के लिए समझते हैं, ये कौन सा मिरर हो गया आपका, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर हो गए, यहां कॉन्वेक्स मिरर लिख देता हूं, यहां कॉन्वेक्स मिरर आ गया। ठीक है, अब इस कॉनकेव मिरर में देखो क्या है, ये जो कॉनकेव मिरर है, ये वाला कॉनकेव मिरर वापस। अब इस कॉनकेव मिरर में अगर मान लो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही हो, ये इस टाइप से इंसिडेंट रे आ रही हो, ये इंसिडेंट रे आ रही हो, ठीक है, इस टाइप से अगर इंसिडेंट रे आ रही, तो ऐसे सिचुएशन में इंसिडेंट रे कहीं नहीं कट करेगी। इस सिचुएशन में तो क्या होता, देखो इंसिडेंट रे यहां कट कर रही थी क्या, इंसिडेंट रे यहाँ कट कर रही है क्या, इंसिडेंट रे यहाँ कट कर रही है क्या, तो ये ऑब्जेक्ट कौन से थे दोनों, ये जो ऑब्जेक्ट थे दोनों कौन से थे, रियल ऑब्जेक्ट थे, मतलब यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस को ऑब्जेक्ट रखा होगा। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या होगा, ये इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है, इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है। अब मान लो मैंने यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे भी अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये रे यहाँ से जो भी रिफ्लेक्शन होके जाएगी, ठीक है, मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। पहले तो ये पॉइंट P तो हो गया आपका 0.0, इधर प्लस एक्स आ गया, इधर माइनस एक्स आ गया। ठीक है, ऊपर प्लस वाई आ गया, नीचे माइनस वाई आ गया। ये वाला इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है ना, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, तो ये प्लस एक्स लिख लिया, ये वाली डायरेक्शन जो है पॉजिटिव आ गई। अब देखो ऐसे सिचुएशन में ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट तो देख ही नहीं रहा, ये यहाँ तो कहीं ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे तो कहीं कट ही नहीं कर रही। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंसिडेंट रे तो कहीं कट ही नहीं कर रही है, ठीक है, तो इंसिडेंट रे नहीं कट कर रही है, ठीक है, पर इनका एक्सटेंशन तो कट करेगा ना, यहाँ कहीं इनका एक्सटेंशन कट करेगा क्या, तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट बनेगा है। और ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट है ये, वर्चुअल। इस सिचुएशन में यू जो है पॉजिटिव आ गया क्या, यू पॉजिटिव आ गया क्या, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा आ गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फोकस एफ का वैल्यू तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब वी, अगेन वी जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और वी जो है नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वी पॉजिटिव है तो इमेज राइट साइड में बनेगी, वो कौन सी हो जाएगी, इमेज जो हो गई वो वर्चुअल हो गई, और यहाँ जो इमेज हो गई वो रियल हो गई। ठीक है, ये ऐसा सिचुएशन आ गया।
ठीक है, तो ये ज्यादा अपन अभी क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, ये वाला जो भी मिरर होगा ना, कौन सा मिरर हो गया, कौन के मिरर, इसका एफ हमेशा नेगेटिव आएगा। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, इसका एफ हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यही तो रे इंसिडेंट होगी हमेशा। ठीक है, तो यहां तक समझ लेते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जरा क्वेश्चन के थ्रू ये जो है साइन कन्वेंशन थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मिरर से रिलेटेड। देखो मिरर फॉर्मूला, फॉर्मूला बता दिया मैंने, साइन कन्वेंशन बता दिया। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया हो तो ये क्वेश्चन नोट करो और सॉल्व करना शुरू करो, वीडियो पॉज करो। समझ नहीं आया हो तो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फिर अगला वाला आप ट्राई करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या, देखो फाइंड इमेज पोजिशन, क्वेश्चन नोट कर लेना पहले। ऑब्जेक्ट है और इस ये मिरर कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है आर, वो 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट जो है पोल, ये पॉइंट पोल होता है क्या, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट 1 mm है, 1 mm अगर ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो आपको क्या पता करना है, फाइंड इमेज पोजिशन, बस और कुछ नहीं, इमेज का पोजिशन क्या होगा। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं इसी में सॉल्व कर देता हूं, यहीं पे सबसे पहले तो इसको पढ़ने 0.0 मान लिए, ये प्लस है, यहां से इंसिडेंट है इधर आएगी तो ये प्लस एक्स हो गया और ये माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले अब अपने फॉर्मूला लिखते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ u और f आ जाए तो v आ जाएगा क्या, u अगर मैं देखता हूँ ये 0.0 है क्या, ऑब्जेक्ट लेफ्ट है, माइनस एक्स एक्सिस पर रखा है क्या, यहाँ 0.0 है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो u का वैल्यू क्या आ गया, -40 सेंटीमीटर। एंड अब इसका फोकस कहाँ होगा, देखो फोकस समझ लेते हैं, सी कहाँ है, सी यहाँ 10 सेंटीमीटर पे, ये सी है क्या, तो एफ यहाँ के होगा मिडल में, मतलब इसका फोकल लेंथ भी नेगेटिव आ रहा है क्या, एफ, एफ नेगेटिव क्यों है, क्योंकि अगेन इधर पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस पे अप्लाई कर रहा है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, एफ, एफ का फॉर्मूला आपको पता होगा r/2। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो r/2 लिख लिया, तो यहां से यहां तक कितना हो गया 5, तो ये -5, फोकल लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो तो अपने r/2 लगा के निकाल लिया, 10/2 = 5, और -5 कोऑर्डिनेट लिखना होगा ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा। अब ये दोनों वैल्यू यहां रखता हूं तो v का वैल्यू आ जाएगा, देखो कितना है, तो 1/v + 1/u की जगह कितना लिख दिया, -40 = 1/-5। अब इसको सोल्व कर लेते हैं जरा, तो सोल्व करने पे क्या आ रहा है, देखो 1/v = 1/40 - 1/5। यहां से देखता हूँ एलसीएम आ जाएगा कितना, एलसीएम आ गया कितना, 40 एलसीएम आ गया, तो 1/v = 40 1 - यहां से देखो तो कितना 8, तो v का वैल्यू कितना आ गया, -40/7। ठीक है, तो इमेज कहां बन रही होगी, -40/7 पे, -40/7 का अगर अप्रोक्स वैल्यू देखूंगा तो कितना आ रहा है, अप्रोक्स वैल्यू 6.8 नहीं ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, नहीं 5.8 या 9 ऐसा कुछ, मतलब जो इमेज बन रही होगी कहां बन रही थी। अब देखो -5.8 नेगेटिव आ रहा है, मतलब इमेज लेफ्ट में बनेगी, और नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब यहां से नेगेटिव आ रहा है ना, वी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज कहां बनेगी, इमेज लेफ्ट में होगी, और या फिर इमेज मैं लिख देता हूँ रियल इमेज होगी। ठीक है, इधर इमेज बन रही होगी। और अब आप रे डायग्राम याद करो जरा, ऑब्जेक्ट कहां हो गया, इनफाइनाइट से सी के बीच में, इनफाइनाइट से सी में ऑब्जेक्ट होता है, तो इमेज कहां से, एफ से सी के बीच में बनती है, तो देखो -5.8 यहाँ एफ से सी के बीच में आएगा क्या, 5 से थोड़ा यहाँ भी इमेज बनेगी। ठीक है, अब अगर आपको मैग्निफिकेशन वगैरह, तो मैंने इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मैग्निफिकेशन का कैलकुलेशन भी किया जा सकता है। ये ऑब्जेक्ट का जो है 1 mm लेंथ कोई काम नहीं आ रहा, वो तब आता है जब इमेज जो आपको है, इमेज का भी लेंथ पूछा होता कि इमेज का लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो इसमें तो ये कुछ काम नहीं आया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा मैंने, ये ऑब्जेक्ट आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। अब ये मिरर कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर, यहां से यहां तक का लेंथ 10 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन तो ये आ गया, फाइंड इमेज पोजिशन, इमेज का पोजीशन बता दो। दूसरा रे डायग्राम भी ड्रॉ कर दो, मतलब रे डायग्राम का मतलब क्या है, यहां से इमेज बना के बताओ इस ऑब्जेक्ट की, रे डायग्राम बना के, इससे रे डायग्राम बनाना सीखे थे ना अपन ने, तो रे डायग्राम बना लेते हैं जरा, क्या है, मैं यही सॉल्व कर देता हूं इसको। ठीक है, आप एक काम करना, पहले क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, फिर वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ट्राई करो, सोल्व कर लिया है, लिख लिया है, तो सोल्यूशन देखो जरा क्या है। यहां से ये जो ऑब्जेक्ट है
अब मैं इसको मिटा देता हूँ, फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले तो, ये अपना क्या हो गया 0.0, यहाँ से इंसिडेंट रे इधर आएगी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ गया, यहाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस आ गया, ठीक है, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस आ गया, तो अब मैं क्या लिखता हूँ 1 upon v + 1 upon u = 1/f, ठीक है, तो वी यू एफ क्या क्या है देखो, पहले तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, तो u का वैल्यू कितना आ गया -10 cm नेगेटिव एक्स एक्सिस में, यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा, फोकस यहाँ होगा, अब फोकस राइट में आ गया, तो f का वैल्यू जो है +10 cm, +10 क्यों लिखा, पहले तो मैग्नीट्यूड निकालना f का r/2 से 20/2 तो कितना आ गया, फोकल लेंथ तो 10 आ गई, पर 10 को अगर मैं साइन कन्वेंशन के साथ लिखूंगा तो +10 हो जाएगा, ठीक है, +10 आ गया, इस पॉइंट पे जो है पॉजिटिव x एक्सिस पे है ना, अब ये यहाँ लिख लेते हैं जरा 1 upon v + 1 upon -10 = 1 upon 10, तो 1 upon v कितना आ गया 1/10 + 1/10, तो 1 upon v कितना आ गया 2/10, तो v कितना आ गया +5, मतलब इमेज कहाँ बन रही होगी +5 cm पे, +5 cm पे इमेज बन रही होगी, मतलब ये ऑब्जेक्ट ये वाली डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक 10 cm। अब देखो इमेज बना के दिखाता हूँ रे डायग्राम से, ये तो पहला कैलकुलेशन तो होगी, अब रे डायग्राम से भी देख लेते हैं जरा, एक रे इंसिडेंट रही आ गई क्या, और एक इंसिडेंट रही है ले लिया मैंने, अब ये वाला इंसिडेंट रहे तो नॉर्मल इंसिडेंट से तो टकरा के आ गई वापस से, अब मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, इस पॉइंट पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया मैंने, अब ये रे जो है यहाँ से टकरा के ऐसे चली जाएगी, अब इस रे को पीछे एक्सटेंशन करने पे ये कहाँ कट कर रही होगी, यहाँ कहीं कट कर रही होगी, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है इमेज बन गया, इमेज का मतलब क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, अब ये वाली रे तो टकरा के इधर चली गई, ये वाली रे टकरा के वापस रिट्रेस होगी, तो ये वाली जो रे ऊपर जा रही है और ये वाली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ गई है, ये दोनों कट नहीं करनी और इनका पीछे एक्सटेंशन कट कर रहा है, यहाँ पे इमेज बन गई, ये डिस्टेंस कहाँ होगी, यहाँ से 5 cm हो जाएगा, मतलब 5 cm दूरी पे इधर इमेज बन जाएगी, तो इस टाइप से अपन ने इसका रे डायग्राम बना लिया दूसरे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जरा क्या, तो पहले क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, देखो क्या, एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऑफ 4 mm, ठीक है, 4 mm इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, मीन्स ये कॉनकेव मिरर आ गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 cm एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 cm, मतलब ऑब्जेक्ट जो है फ्रॉम दी पोल, पोल से 15 cm पे फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, 3 मिनट का टाइम है, ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखो आराम से, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है, तो देखो क्या करना है आपको, ये तो पोल आ गया क्या, पोल को तो 0.0 मान लिया मैंने, ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ ऐसा रखा होगा, ऑब्जेक्ट रख देता हूँ मैं, ये ऑब्जेक्ट, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20 cm, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है 4 mm, ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना दिया है, ये 15 cm, 15 cm है ये, ठीक है, अब रे डायग्राम बनाना शुरू करते हैं, इस पॉइंट से रे डायग्राम बनाना शुरू करता हूँ, तो ये इंसिडेंट रे पॉजिटिव आ गई, तो प्लस एक्स एक्सिस आ गया, ये माइनस एक्स एक्सिस आ गया, अब यू का वैल्यू लिख लेते हैं, जो फॉर्मूला है उसमें यू का वैल्यू क्या लिखोगे, माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर लिख लेंगे, माइनस क्यों लिखा आगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस, फोकल लेंथ भी क्या होगा, फोकस यहाँ भी होगा 10 पे, आर बाई टू करोगे तो 10 आ गया, -10 लिख दिया, यहाँ भी फोकस होगा क्या, यहाँ भी एफ होगा, तो -10 क्यों लिखा, समझ आ गया होगा, 10 क्यों लिखा, आर बाई टू कर दिया, अब फॉर्मूला लगाऊंगा मैं 1 upon v + 1 upon u = 1/f, तो 1 upon v, u का वैल्यू कितना है 1 upon -15, फोकल लेंथ कितना है 1 upon -10, तो यहां से सोल्व करूंगा तो कितना आ गया, देखो 1 upon v = 1 upon 15 - 1/10, तो 1 upon v एल से मांगे कितना 30, तो ये आ गया 2 - 3, तो v का वैल्यू कितना आ रहा है, v का वैल्यू आ गया -30, अभी जो v का वैल्यू आ रहा है -30, अब यहां से v का वैल्यू -30 आने के बाद देखो क्या करोगे आप, मुझे क्या पता करना है, हाइट ऑफ इमेज, तो मैंने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिखा था कि -v/u, तो ये तो माइनस तो फॉर्मूला वाला आ गया, v का वैल्यू -30 आया, u का वैल्यू कितना आ गया -15, मतलब मैग्नीफिकेशन आ रहा है -2, ठीक है, -2 का मतलब क्या होगा, नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगी, मैग्नीफिकेशन ग्रेटर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब इमेज जो बनेगी वो क्या होगी, एनलार्ज इमेज होगी, अब मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला और लिखा था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन माइनस टू है, एच आई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया क्वेश्चन में देखो 4 mm, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया -8 mm, -8 का मतलब जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी, कहाँ बनेगी -30 में, मतलब यहाँ कहीं इधर इमेज होगी, ठीक है। तो अब आप रे डायग्राम से भी समझ सकते हो, ये एफ है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा क्या, देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या हो गया, ये कौन सा वाला केस हो गया, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, क्वेश्चन मिटा देता हूँ मैं और इसका रे डायग्राम से भी समझा देता हूँ। देखो रे डायग्राम क्या है इसका, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, देखो ये मिरर आ गया, यहाँ पे तो फोकस आ गया, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस 20 है, ये 20 आ गया, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा होगा तो इमेज यहाँ बनेगी क्या, बड़ी इमेज बन जाएगी, देख लो जरा वेरीफाई करके फटाफट से, -8 आ रहा है मतलब बड़ी आ गई इमेज की साइज, ठीक है। एक तरीका और है, मैग्निफिकेशन डायरेक्ट लिख सकते हो, मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला एफ अपॉन F माइनस U, ये अल्टरनेट मेथड है या सेकेंड मेथड है, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या, देखो मैग्निफिकेशन क्या लिखता हूँ, F अपॉन F माइनस U, तो फोकल लेंथ कितना है इसमें, फोकल लेंथ साइन कन्वेंशन तो लिखना ही पड़ेगा, -10 -10, U की जगह कितना आ गया -15, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया -10 / 5, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया -2, मतलब ये पूरी फॉर्मूला वाली कैलकुलेशन से बच जाओगे, ये वाली कैलकुलेशन से भी बच जाओगे। मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपने एफ अपॉन एफ माइनस यू लगा दिया ना, तो डायरेक्ट -2 आ गया, -2 के बाद तो यही कैलकुलेशन करके आप जो है पूरा सॉल्व कर सकते हो। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्या, देखो ए पर्सन लुक्स इनटू ए स्फेरिकल मिरर, द साइज ऑफ इमेज ऑफ हिज फेस इज ट्वाइस द एक्चुअल साइज ऑफ हिज फेस, ठीक है। इफ द फेस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 cm, फाइंड द नेचर ऑफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इमेज, तो वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन लिखो, 5 मिनट का टाइम है, सोचना और आंसर कैलकुलेट करना, मैं कंटिन्यू में सॉल्व करता हूँ। देखो क्या है इस क्वेश्चन में, क्या है देखो स्फेरिकल मिरर, अब अगर स्फेरिकल मिरर है पहले तो कॉन्वेक्स कॉनकेव स्पेसिफाई नहीं किया, क्लियर है, तो कॉन्वेक्स भी हो सकता है कॉनकेव भी हो सकता है, ये आपको ही देखना होगा, ठीक है। तो पहले तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में देखते हैं जरा, अगर आप देखोगे तो इमेज जो है साइज ऑफ इमेज ऑफ स्पेस इज ट्वाइस, मतलब 2 गुना साइज की इमेज बन रही है, आदमी है तो रियल ऑब्जेक्ट होगा, मिरर में देख रहा है 2 गुना साइज की इमेज बनी, इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर तो हो ही नहीं सकता, कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा छोटी इमेज बनाता है क्या, कॉनकेव मिरर ही होगा, ठीक है। तो आंसर एक तो आ गया नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज तो क्या आ गया आपका, सॉल्यूशन किया क्वेश्चन में तो नेचर ऑफ मिरर, तो नेचर में तो क्या लिख दिया आपने कॉनकेव, कॉनकेव मिरर आ गया। अब दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर भी फाइंड आउट कर लेना उसका, तो आर कैसे निकालूंगा देखो, आर सोल्व कर लेते हैं। अब ये जो आदमी है, ये आदमी का अगर 2 गुनी साइज का इमेज बन रहा है, मतलब ये आदमी फोकस यहाँ कहीं रहा होगा, यहाँ कहीं रहा होगा, ऑब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में इमेज की साइज 2 गुनी आती है, यहाँ कहीं इधर इमेज बन रही होगी, क्लियर है। तो मैं क्या करता हूँ, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ एफ एफ अपॉन एफ माइनस यू, ये पता है क्या आपको, ठीक है। यहाँ से क्या करता हूँ मैग्निफिकेशन, अब मैग्निफिकेशन +2 लिखू या -2 लिखू, ये भी दिक्कत है, +2 या फिर -2, तो +2 क्यों होगा या -2 क्यों होगा, देखो आदमी है अपनी इमेज देख रहा है, मतलब वो कुछ ना कुछ कर रहा होगा, शेविंग वगैरह या स्टाइल से कुछ भी, तो बेचारे को सीधी इमेज दिखानी है, उल्टी थोड़ी दिखानी है, तो सीधी इमेज लिखोगे तो +2 लेना है, ठीक है। अगर ये आदमी की जगह ऐसे टाइप से क्वेश्चन होता है, कैंडल है, कैंडल का इमेज 2 गुनी साइज का दिखाना है, तो क्या करोगे आप, तो फिर उस सिचुएशन में आप +2 -2 दोनों लेके 2 आंसर निकाल सकते हो, उसका आंसर मोर देन 1 करेक्ट होगा, उस टाइप का क्वेश्चन होगा। पर यहाँ क्वेश्चन में अपने को ये पता लग रहा है आदमी है, तो आदमी जो है 2 गुनी इमेज देख रहा होगा, तो सीधी इमेज ही देख रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, अब मैग्निफिकेशन का वैल्यू तो कितना लिख लिया +2, फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, फोकल लेंथ यू की जगह क्या लिख दिया, यू क्वेश्चन में लिखा है कितना, आदमी कितना दूरी पे गणा 20 पे, तो यहाँ मैंने -20 लिख लिया, -20 को लिखा है, समझ गए होंगे, ये +x, ये -x, ये पोल 0,0 आ गया, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसको सोल्व करूँ तो कितना आ गया 2f / 20, तो 2f + 40 = f, तो f का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, f का वैल्यू देखो तो -40 आया, f का वैल्यू -40 cm आ गया, माइनस का मतलब तो वो फोकस यहाँ पे,
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ कितना होता है? आर बाई टू। तो फोकल लेंथ माइनस 40 आ गया आर बाई टू, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया? माइनस 80 सेंटीमीटर। एक तरीका तो ये हो गया इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। दूसरे तरीके से आप सोचो जरा क्या हो सकता है, एक और तरीका इसको सोल्व करने का, ठीक है? ये 80 सेंटीमीटर जो आया है ये क्या आ गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसका एक मेथड और हो सकता है, ये आप सोचो जरा क्या होगा। माइनस का मतलब तो क्या बता रहा है, केवल ये रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला जो पॉइंट सी होगा ना वो यहाँ होगा, ठीक है? आप 80 सेंटीमीटर लिख लेना रेडियस ऑफ कर्वेचर को, लिखो तो आर ओ सी को। अगर सिंपल रेडियस पूछा जाए तो रेडियस उस स्फीयर से जिस स्फीयर को काटा गया होगा उसका रेडियस जो होगा वो तो 80 सेंटीमीटर होगा ना, वो माइनस तो क्या होता है केवल कोऑर्डिनेट सिस्टम को। अगर सी का कोऑर्डिनेट पूछा है तो माइनस 80, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा 80। ये माइनस तो क्यों आ रहा है? कोऑर्डिनेट है इसलिए, ठीक है? एक मेथड और है, सेकंड मेथड से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। उसमें क्या होगा देखो, फॉर्मूला लगाएंगे अपन, 1 upon v = 1/f। तो पहले तो क्या कर लिया मैंने, कॉनकेव मिरर बना लिया, ये पोल आ गया 0,0, यहाँ फोकस आ गया, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कहीं आदमी खड़ा होगा, ठीक है? तो ये मैंने आगे बना लिया है ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस कितना दिया क्वेश्चन में? 20 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है? तो मैग्निफिकेशन क्या लिखता हूँ? माइनस वी अपॉन यू, तो ये तो प्लस 2 है, पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था वैसे समझ लेना। वी यू का वैल्यू कितना है? माइनस 20, मतलब वी का वैल्यू कितना आ गया? प्लस 40 सेंटीमीटर, ठीक है? मतलब इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ की इमेज बनेगी कितने पे? 40 सेंटीमीटर पे, वी पॉजिटिव आएगी। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव था तो इस टाइप की इमेज होगी। अब मैं मिरर फॉर्मूला लगा के फोकल लेंथ का कैलकुलेशन करता हूँ, तो 1 upon v + 1 upon u = 1/f। तो v का वैल्यू कितना लिखना है? +40, +40 को लिखा, इमेज जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बन रही है यहाँ पे, ठीक है? ये इमेज बनाई हमने, इमेज जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बन रही, प्लस यू की जगह कितना लिख दिया? -20 = 1/f। तो यहाँ से एलसीएम लूंगा तो 1/40 - 1/20 आ गया 1/f। तो सोल्व करूंगा तो कितना आ रहा है देखो, 40 एलसीएम आ गया, तो 1 - 2 1/f। यहाँ से फोकल लेंथ कितना आ गया? -40 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो क्या कर दूं मैं, इसका डबल मतलब 80 सेंटीमीटर। अगेन वो जो माइनस आएगा वो किसको बताएगा? कोऑर्डिनेट सिस्टम को। तो इस टाइप से जो है अपन ने क्वेश्चन सेकंड मेथड से भी सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या। देखो ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा 120 सेंटीमीटर। एक कन्वर्जिंग बीम आ रही है, इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग बीम, ठीक है? क्वेश्चन अगर लैंग्वेज में दिया जाएगा कभी तो ऐसा लिखा जाएगा, एक कन्वर्जिंग बीम इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल मिरर, ठीक है? फाइंड इमेज पोजीशन एंड ड्रॉ रेडियस, ठीक है? तो पहले तो इमेज पोजीशन पता कर लेते हैं। इमेज पोजीशन कैसे पता लगाओगे? देखो आपको पता है ये वाला, ये पॉइंट को पोल मान ले क्या 0,0, यहाँ प्लस एक्स मान लिया, यहाँ माइनस एक्स मान लिया, तो 1 upon v + 1 upon u = 1/f, ठीक है? अब यहाँ पे जो है इमेज का पोजीशन पता लगाने के लिए आपको u पता लगाना पड़ेगा। u क्या आ रहा है देखो यहाँ पे, u क्या होता है? x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा कहीं पे, ऑब्जेक्ट के डेफिनेशन पे जाओ, ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। तो ये इंसिडेंट रेज आ गई यहाँ पे, इंसिडेंट रेज यहाँ टका, इससे पहले तो कट नहीं कर रही है, मतलब इनका एक्सटेंशन यहाँ कट कर रहा है क्या? मतलब ये ऑब्जेक्ट होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन नहीं है अभी तक का, ठीक है? मिरर में तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, यू का वैल्यू आ गया कितना? +40 सेंटीमीटर। एंड फोकल लेंथ देख लेते हैं जरा, +40 क्यों लिखा? क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ये 0,0, ठीक है? यहीं पे मैं सोल्व कर लेता हूँ, आपने क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा। फोकल लेंथ कितनी आएगी आर बाई टू से देखो तो 60, और +60 क्यों? क्योंकि जो है राइट साइड में होगा इसका कहीं फोकस, यहाँ पे होगा यहाँ कहीं फोकस आ गया इसका, तो यहाँ भी मैंने फोकस एफ बना लिया, यहाँ भी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। फॉर्मूला लगा लेते हैं 1/v, 1/40, 1/60। तो 1/v कितना आ गया? 1/60 - 1/40, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 एलसीएम आ गया, 120 एलसीएम आ गया, तो यहाँ तो आ जाएगा 2 - 3, मतलब इमेज का बनेगी -120 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी, -120 पे इमेज बन रही है। तो देखो इमेज -120 पे क्यों हो गई है, रे डायग्राम बना के देखते हैं, मतलब एक बार
तो रे डायग्राम बना लेते हैं जरा। पहले क्या करूं मैं, सी से मिलाते हुए पहले तो क्या कर लिया, पी माइनस आ रहा है ना, मतलब इमेज इधर बनेगी। ठीक है, बना देते हैं इधर। ये जो है ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया इस पॉइंट पे, ये नॉर्मल ड्रॉ कर नहीं ऐसे, ये ही नॉर्मल ऐसे इस पॉइंट पे भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है, ये तो आ गया नॉर्मल पॉइंट। अब ये जो रहे हैं इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट एंगल हो गया ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्शन होके जो है ये रे जो है जिस एंगल पे जाएगी, इधर एंगल पे जाएगी इधर, और यहाँ आके इमेज बनाएगी। ये इमेज जो होगी कितने पे कट कर रही है, यहाँ से 120 पे आ गई, यहाँ से यहाँ तक की जो है 120 मीटर डिस्टेंस आ गई। तो इस टाइप से आपको रे डायग्राम बना लेना है। इमेज कौन सी बन गई है, इमेज अगर देखूं तो रियल इमेज होगी, वी नेगेटिव है तो इमेज कौन सी होगी, रियल। और यहाँ कट भी कर रही है क्या देखो इमेज, तो ये रियल इमेज होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड इमेज पोजीशन एंड इट्स स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब आपको बताना है रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इन्वर्टेड, इरेक्ट, इस टाइप से आपको इसमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया 40, ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया 30। ठीक है, तो इमेज का पोजीशन बताओ और स्पेसिफिकेशन भी बताओ। ठीक है, तो क्या करना है आपको, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सोल्व करो, 3 मिनट का टाइम है, मैं कंटिन्यू सोल्व करता हूँ। देखोगे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करें, सबसे पहले तो इस पॉइंट को 0.0 मान लिया, इधर पॉजिटिव एक्स, इधर माइनस एक्स, ऊपर प्लस वाई, नीचे माइनस वाई। ये इंसिडेंट रे की पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है तो इसलिए पॉजिटिव एक्स है। ठीक है ना, तो अब यहाँ फॉर्मूला लगाते हो, अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ 1/v, 1/u, 1/f, तो u की जगह तो क्या लिख दोगे, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस कहाँ होगा इसका, फोकस f यहाँ कहीं होगा क्या, पॉजिटिव एक्स पे, यहाँ फोकस होगा तो पॉजिटिव एक्स पे है। आर बाई टू लिखोगे तो आर बाई टू से कितना आ गया है, +20 सेंटीमीटर, आर बाई टू लिखोगे तो 1/v = 1 - 30 -30 1/60 तो v कितना आ गया 60 अपॉन 5 तो +12 सेंटीमीटर आए, +12 आ गया। तो +12 आने के बाद अब क्या करोगे आप, इसमें जो है यहां से मैग्निफिकेशन निकाल लो, -v/u, तो माइनस वी की जगह तो कितना लिख दिया +12, यू की जगह कितना लिख दिया -30, तो मैग्निफिकेशन आ गया कितना प्लस, और कितना आ रहा है 6 से कैंसिल आउट करता हूं तो 2/5। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन इमेज तो आ गई, इमेज का पोजीशन 12 पे इमेज बन रही होगी, मतलब इधर 12 पे इमेज बन रही होगी। अब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, इसका क्या मतलब है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब इरेक्ट इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी इसकी। ठीक है, दूसरा मैग्निफिकेशन जो है इसका वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 आया, लेस देन 1 आया, लेस देन 1 है, इसका मतलब ये जो इमेज होगी ना ये डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड मतलब छोटी इमेज, डिमिनिश्ड आ गई। दूसरा वी, वी का वैल्यू क्या आ रहा था, पॉजिटिव, वी का वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब वर्चुअल इमेज होगी, और वैसे भी आपको पता है इसमें तो वर्चुअल इमेज ही बनेगी, ये जो मिरर है ना कॉनकेव मिरर में रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है। अब अगर रे डायग्राम से भी समझना है तो रे डायग्राम से समझ लेते हैं जरा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ नहीं होगा क्या, प्लस एक्स, यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी आ गया, ये इसका फोकस आ गया। अब सबसे पहले तो मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लूंगा, ये मैंने इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये नॉर्मल आ गया, ब्लैक ब्लैक एक लाइन तो ये होगी हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस वाली, गई और टकरा के आ गई। दूसरी यहाँ से जो रहे हैं, अब इमेज कहाँ बनेगी, 12 पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इधर आ गया, तो यहाँ पे कहीं पे यहाँ इमेज बन गई है, ये दोनों रे रिफ्लेक्टेड रे इधर चली गई, इधर चली गई, तो इमेज बन गई। ठीक है, तो ये इमेज का डिस्टेंस हो गया कितना, 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, मिरर से ऑब्जेक्ट 30, मिरर से इमेज 12, तो ये हो गया 42 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं जरा क्या है। अगला क्वेश्चन इस टाइप से है, ये मिरर आ गया कॉनकेव मिरर 60 सेंटीमीटर, एक एरो दिया हुआ है, वो एरो ऑब्जेक्ट है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट उसका जो लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लगा के यहां तक तो 10 सेंटीमीटर, जो उसका हेड है
वो सेंटर जो पोल से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो कैलकुलेट लेंथ ऑफ इमेज ऑफ एरो, ठीक है, ये एरो का इमेज का लेंथ बताना है या ऑब्जेक्ट मान लो जिसका भी लेंथ बताना है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ठीक है। तो पहले वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन नोट करो, वीडियो पॉज करो, 3 मिनट में सॉल्व करो जरा क्या। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होगा आपको, पहले तो ये दो पॉइंट मान लो, एक पॉइंट आपने मान लिया हेड, ये हेड वाला पॉइंट, इसका इमेज बनाओ और एक इसका इमेज बनाओ, दोनों पॉइंट का इमेज बना लो। तो मैं पहले इस पॉइंट का इमेज बना रहा हूँ, ये वाला पॉइंट जिसको हेड बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इमेज किसका बना रहा हूँ मैं, इमेज ऑफ हेड, ठीक है। तो हेड के लिए अगर मैं यू लिखूं तो वो कितना हो जाएगा, माइनस फिफ्टी क्यों हुआ, देखो ये ओरिजिन 0.0, इधर प्लस एक्स आ गया, इधर माइनस एक्स आ गया, ठीक है। तो यू तो हो गया माइनस 50 सेंटीमीटर, एंड साथ में फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, आर बाई टू से माइनस 30 सेंटीमीटर। तो 1 अपॉन वी फॉर्मूला लगाया आपने, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 बाई ए, तो 1 अपॉन वी प्लस यू की जगह कितना लिख दोगे, माइनस 50 फोकल लेंथ माइनस 30, तो 1 अपॉन वी कितना आ गया, देखो यहां से 1 अपॉन 50 पॉजिटिव जगह हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 30। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया जो है 1 अपॉन 150 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 150 एलसीएम आ गया, तो यहां तो कितना लिख दिया आपने, 3 माइनस 5, तो 1 अपॉन वी का वैल्यू कितना आ गया, 1 अपॉन वी इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 150, तो वी कितना आ गया यहाँ से, माइनस 75 सेंटीमीटर। मतलब अगर इस लाइन को मैं यहाँ तक बढ़ा दूँ आगे, ठीक है, अब ये जो हेड वाला पॉइंट है ना, ये हेड वाला पॉइंट ये 50 सेंटीमीटर पे, बट इसका इमेज कहाँ पे बन रहा होगा, यहाँ का इमेज बन रहा होगा 75 पे, ये 75 पे इसका इमेज बना लिया मैंने, 75 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ इसका इमेज बनेगा, ठीक है, यहाँ इसका इमेज बन गया। अब इस पॉइंट का इमेज तो वहीं का वहीं हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना सी पे है ना, दूसरा पॉइंट का इमेज बनाने की जरूरत नहीं मुझे, टेल का इमेज वहीं का वहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस 60 हो गया, और ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वहीं बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले इस पॉइंट की इमेज यही बन जाएगी। आप मिरर फॉर्मूला भी लगा के देख लेना, यही की बनेगी, क्योंकि आपको पता है रे डायग्राम से अगर ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो इमेज भी सी पे बनती है। तो ये मैंने ऐसा क्वेश्चन एडजस्ट किया कि 60 था ना, 50 ये 10, ये 10 हुआ ना, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया 60, तो इस पॉइंट की इमेज तो यही बन गई, मतलब ये एरो का लेंथ यहाँ से लगा के यहाँ तक होगा होगा, तो एरो का लेंथ कितना हो गया, 60 से लगा के जो चल रहा है 70 75, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, लेंथ ऑफ एरो कितना हो गया, तो लेंथ ऑफ एरो हो गया आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और एरो का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अपना इक्वेशन सॉल्व हो गया। देखो एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, क्या क्वेश्चन होता है, डेराइव मिरर फॉर्मूला, ठीक है, मिरर फॉर्मूला तो अपन ने पढ़ लिया, उसका एप्लीकेशन भी पढ़ लिया, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, पर उसका डेरिवेशन पढ़ते हैं, वो क्या है, डेराइव मिरर फॉर्मूला, ठीक है, या फिर आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन हो जाता है, प्रूफ, किसका प्रूफ कर रहे हैं अपन, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 बाई एफ एंड मैग्निफिकेशन जो है माइनस वी बाई यू, ठीक है, मैंने लिखा हूं कौन सी टर्म क्या है आपको सबको पता है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिरर फॉर्मूला को मिरर इक्वेशन भी बोला जा सकता है, बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जब भी बोर्ड का एग्जाम होगा तो चांस है कि ये क्वेश्चन आ जाए। तो जरा समझते हैं क्या है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। मैंने यहां पे एक मिरर बना लिया, कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए डिराइव कर रहा हूं पर जनरलाइज फॉर्मूला है, ठीक है, यहां फोकल लेंथ होगा, यहां का सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया इस टाइप का, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया अपना। अब इस ऑब्जेक्ट में इस पॉइंट को नाम दे दिया अपन ने ए, और इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, नीचे वाले पॉइंट को, ठीक है, और ऊपर वाले पॉइंट को नाम दे दिया क्या ए। अब यहाँ से क्या होगा, इसका रे डायग्राम बना लेते हैं, रे डायग्राम बनाता हूँ जरा, रे डायग्राम इसका अपन ने बना रखा है वैसे ऑलरेडी, पर फिर भी यहाँ पे बनाते हैं जरा, क्या है, पैरेलल रे आ जाएगी। अभी मान के चलते हैं अपन सारी रेस क्या है, सारी की सारी रेस कहाँ से पास हो रही है, सॉरी सारी रेस क्या है, पेरेक्शियल है। अब ये रे जो है पेरेक्शियल रे पैरेलल आती है तो कहाँ से चली जाती है, फोकस से चली जाती है, फोकस से चला दी। दूसरी रे क्या करूँ मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे जो है यहाँ से टकराने के बाद क्या होगी, यहाँ पे आगे इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट हुई इसके बाद ये रिट्रेस कर जाएगी, मतलब इमेज का जो पोजिशन है ना वो ये आ गया, यहाँ पे जो है इमेज बन गई। अब ये ऊपर वाला पॉइंट जो बना नीचे बना क्या, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं ए डैश, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए डैश,
और ऊपर वाले पॉइंट को नाम दे दिया बी डैश, और इस पॉइंट को अपन हर बार की जैसे ही पॉल बोल दिए इस पॉइंट को नाम देता हूँ एम। ठीक है, एक रे और बना लेता हूँ। एक रे और कौन सी, देखो एक रे और इस टाइप से बना ली मैंने। अगर कोई रे पोल पे जाके टकरा रही है यहाँ पे, ठीक है, ये एक अगर कोई भी रे जो है पोल पे जाके हिट कर रही है, तो पोल पे हिट करने के बाद ये रे किस टाइप से जाएगी, यहाँ से जो है पोल से जितने एंगल पे आके टकराई है उतने एंगल पे यहाँ से जाएगी इस टाइप से। ठीक है, ये पॉइंट एफ आ गया, ये तीन रे बना ली। अब रे डाई इसमें जो है अपन मिरर फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले कौन कौन से ट्राइंगल में मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। पहले जो है मैं लिख रहा हूँ, अब मैं यहाँ से देखूँ तो जो है ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ सिमिलर है ट्राइंगल एम पी एफ के। ठीक है, वैसे तो ये एम वाला यहाँ कर्वेचर वाला पार्ट है, पर ये क्या है अपने पास जो रे है वो पेरेक्सियल है, तो ये एम पॉइंट पी के ऑलमोस्ट क्लोजेस्ट पॉइंट होगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ऑलमोस्ट पी के इक्वल ही होगा। तो मैंने इसको इतने पार्ट को भी एक स्ट्रेट लाइन मान के सिमिलर ट्राइंगल बना दिए। ये वाले दो ट्राइंगल कौन से हो गए, सिमिलर ट्राइंगल। अब सिमिलर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट में क्या लिख सकता हूँ, देखो ए डैश बी डैश अपॉन एम पी, साइड का रेशियो में बराबर बराबर करो, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड इक्वल टू बी डैश इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एफ पी। क्लियर है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये जो एम पी है इस एम पी को किसके बराबर लिख सकता हूं मैं, एम पी जो है ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू ए बी। तो मैं यहां से क्या लिख दूं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एफ पी। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब दूसरे एक ट्राइंगल और ले रहा हूं मैं, देखो कौन सा ट्राइंगल ए पी बी सिमिलर ट्राइंगल होगा ए डैश पी एंड बी डैश। क्यों, देखो ये ए ए पी बी ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये भी सिमिलर ट्राइंगल होंगे। क्यों, क्योंकि इनमें तीनों एंगल बराबर बराबर है, ये एंगल एक एंगल 90 डिग्री हो गया और ये वाले दोनों एंगल तो बराबर बराबर होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर बराबर, एक एंगल 90 डिग्री तीसरा एंगल भी 90, तो ट्रिपल ऐसे रूल से आपने क्या लिख लिया है, ये भी कौन से हो गए सिमिलर ट्राइंगल। अब सिमिलर ट्राइंगल में यहां से लिखता हूं मैं, देखो क्या ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ठीक है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, तो ए डैश बी डैश अपॉन यहां से यहां तक वाली डिस्टेंस क्या लिखूंगा, बी डैश पी अपॉन यहां से यहां तक क्या हो गया बी पी। ये इक्वेशन सेकेंड लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इक्वेशन वन एंड टू से लिखता हूं, जरा मैं क्या लिखा हूं, देखो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी का क्या लिख दिया मैंने, अब देखो बी डैश एफ अपॉन एफ पी इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। ठीक है, अब बी डैश एफ और एफ पी इन सभी को अपन देखते हैं जरा क्या है। देखो बी डैश पी तो क्या है, देखो बी डैश पी यहां से यहां तक की डिस्टेंस है क्या, मतलब ये तो इमेज की डिस्टेंस हो गया बी, और बी पी ये यू हो जाएगा क्या, एफ पी यू हो गया एफ सॉरी वापस रिपीट करता हूँ, बी डैश पी ये तो वी वी में कन्वर्ट कर लेंगे, BP इसको U में कन्वर्ट कर लेंगे, FP ये फोकल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, बस एक लाइन बची B-F। अब ये B-F कुछ भी नहीं बन रहा, तो इस B-F को मैं क्या लिखूं, B से B-F से यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कुछ भी नहीं बन रही, ना U है ना B है ना F है, तो मैं क्या इसको ऐसे पार्ट में ब्रेक करता हूं कि कुछ ना कुछ बन जाए। तो B-P को मैं क्या लिख रहा हूं, ये जो B-F आया ना, इस B-F को क्या लिख दिया, B-F जो लिख दिया B-P माइनस एफ पी। ठीक है, तो यहां लिख दिया मैंने बी डैश पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। ठीक है, तो बी डैश पी की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी डैश पी जो है ये तो हो गया मेरे इमेज मतलब माइनस यू लिख दिया, एफ पी है इसको माइनस एफ लिख दिया, और ये जो बी पी है इसको माइनस यू लिख दिया। अब ये सारी वैल्यूज में अगर यहां रखता हूं, सारी वैल्यूज अगर यहां रखूंगा तो अपना जो है आंसर आ जाएगा। देखो ये सारी वैल्यूज जो है, ये सारी वैल्यूज मैं ऊपर इक्वेशन में रख देता हूँ, इसको मिटा के सोल्व कर लेते हैं जरा अपना फॉर्मूला। तो यहां से अपना मिरर फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, देखो किस टाइप से हो रहा है, बी डैश पी की जगह मैंने माइनस बी रख लिया, एफ पी की जगह मैंने माइनस एफ रख लिया, अपॉन एफ पी अगेन नीचे माइनस एफ इक्वल टू बी डैश पी कितना है माइनस बी अपॉन माइनस यू, तो माइनस माइनस प्लस हो गया,
तो माइनस वी बाई ये डिवाइड करूं तो v बाई एफ आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस माइनस वन इक्वल टू बी अपॉन यू। ठीक है, मैं v का डिवाइड कर देता हूं तो वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन बाई यू। तो अपना ये मेरा फॉर्मूला डिराइव हो गया, वन अपॉन वी इक्वल टू वन बाई एफ, वन अपॉन ये वाली टर्म उधर चली जाएगी ना तो प्लस हो जाएगी, तो फॉर्मूला अपना डिराइव हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला डिराइव हो गया हैंड स्पून, एक तो ये डिराइव हो गया। अब मैग्नीफिकेशन वाला ये वाला पार्ट डिराइव करने के लिए तो देखो बड़ा इजी है इक्वेशन, ये जो सेकंड इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू, तो इक्वेशन टू से ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और नीचे तो माइनस लिख दू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे लिखता हूं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। ठीक है, अब ए डैश बी डैश का वैल्यू कितना है, ए डैश बी डैश का वैल्यू लिख लो, ए डैश बी डैश का यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, ए डैश बी डैश क्या हो गया, माइनस को लिख रहा हूं नीचे हाइट ऑफ इमेज, ए बी क्या हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बी डैश पी का वैल्यू बोलो बी डैश पी माइनस बी, बी पी का वैल्यू बोलो माइनस यू। तो मैं एच आई अपॉन एच को लिखूंगा तो किसके बराबर हो गया माइनस वी बाई यू, और मैग्निफिकेशन क्या होता है हाइट ऑफ इमेज या वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वी बाई यू। तो ये अलग ही अपन ने प्रूफ कर लिया ये। ठीक है, तो ये भी अपना प्रूफ हो गया, क्लियर है। तो इस टाइप से ये डेरिवेशन अपना प्रूफ हो जाता है। मैंने डेरिवेशन ऐसे सोल्व किया जैसे एनसीईआरटी में दिया है, अगर आप एच सी वर्मा में देखोगे तो एच सी वर्मा में डेरिवेशन बड़ा इजी पैटर्न पे दिया है, तो एच सी वर्मा वाला डेरिवेशन देखना है तो वो भी बता देता हूँ। पर अगर आपका बोर्ड सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है तो प्रीफर करो ये वाला डेरिवेशन, वो डेरिवेशन करोगे तो हो सकता है जो आंसर की होगी ना एनसीईआरटी की जो आंसर की होती है बोर्ड की उसमें वो डेरिवेशन होता है। तो बट वैसे दोनों सही है, ठीक है, होने में सही दोनों है, पर ये वाले को प्रीफर करो आप। बट अगर कोई स्टूडेंट एचसीबी पढ़ता है तो उसमें देखो डेरिवेशन किस टाइप से दिया है। ठीक है, एचसीबी में बड़ा इजीली दिया है, ये कौन क्यों मिरर आ गया, यहाँ ये ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ फोकस मान लिया। ठीक है, तो ये तो इंसिडेंट रे बना दी मैंने, ये इंसिडेंट रे आ गई, और ये आ गया मेरे पास क्या नॉर्मल आ गए। ठीक है, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके रे किधर जाएगी, ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस टाइप से आ जाएगी यहाँ से, क्लियर है, तो इस टाइप से आ गई ये रिफ्लेक्ट होके। अब ये एंगल जो है, ये वाला एंगल मैंने मान लिया अल्फा, ये वाला एंगल मान लिया बीटा, ये वाला एंगल मान लिया गामा, ये पोल है, इस पॉइंट को एम नाम दे दिया। ठीक है, अब अगर ये वाला एंगल आई है और तो ये वाला एंगल भी क्या हुआ आई, तो अब यहां लिखता हूं छोटा छोटा सा आई और आई। ठीक है, अब मैं ये वाले ट्राइंगल में कॉन्सेप्ट लगाऊं तो बीटा को क्या लिख सकता हूँ अल्फा प्लस आई, आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होगा इन दोनों सम एंगल का सम, मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ ये इस टाइप से, ये वाला एंगल जो है इन दोनों का सम होगा। ठीक है, ये एक्स है ये वाई है तो ये एक्स प्लस वाई होगा, ऐसा थ्योरम होती है 9th-10th में। तो ये आ गया बीटा, तो क्या आ गया अल्फा प्लस आई, ऐसे में गामा को क्या लिख सकता हूँ, गामा को लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा, ये जो गामा एंगल होगा ये वाले ट्राइंगल में लिखूंगा बीटा प्लस आई। ठीक है, अब मैं यहां से आई को स्किप करूं अल्फा बीटा गामा की टर्म में लिखूंगा तो अल्फा गामा इक्वल टू बीटा प्लस इस वाले आई की जगह क्या लिख सकता हूं, यहां से ये वाले आई की जगह क्या लिखूंगा बीटा माइनस अल्फा, तो वाई क्या आ गया देखो वाई का जो वैल्यू आ गया वो आ गया कितना टू बीटा माइनस अल्फा। अब ये जो है मैं वो गामा का वैल्यू लिखता हूँ, गामा का वैल्यू क्या हो गया एमपी अपॉन यहां पे जो इमेज है ना इमेज का डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक आई से पी तक आई पी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीटा का वैल्यू क्या आ गया एमपी, इसको मैं एम जो है ना अपन जो फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं वो किसके लिए पेरेक्सल वेव के लिए, मतलब ये एम ये वाली लाइन ये वाला कर्वेचर वाला पॉइंट ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होगा, तो बीटा में क्या आ जाएगा अपॉन सीपी माइनस अल्फा में क्या आ जाएगा एमपी अपॉन ओपी। ठीक है, एमपी 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 गायब हो जाएगा, आईपी को क्या लिख दूंगा माइनस बी, सीपी को क्या लिख दूंगा सी से पी तक का डिस्टेंस माइनस आर, एमपी तो गायब हो गया, ओपी को क्या लिख दूंगा
माइनस यू, ठीक है। तो ये देखो फॉर्मूला क्या आ गया, देखो यहां से सोल्व करूंगा ना मैं इसको, तो फॉर्मूला बन गया क्या, देखो किस टाइप से बना है, ये तो माइनस वन बाई बी, ये माइनस वन अपॉन बी है क्या, इक्वल टू माइनस टू अपॉन आर प्लस वन बाई यू है क्या, ठीक है। तो ये हो गया वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू इक्वल टू टू अपॉन आर, जिसको वन बाई एफ लिख सकते हैं। ये आपका डेरिवेशन एच सी बी में दिया हुआ इस टाइप से, कंपलसरी नहीं है इसको सोल्व करना, बस मैंने आपको बताया अगर कोई एच सी बी पढ़ता है, स्पेशली जेई वाले बच्चे, नेट वाले तो इसको बोल ही जाओ, ठीक है। आप तो बस ये इसका ये जो डेरिवेशन बनाया ना मैंने एनसीईआरटी वाला डेरिवेशन, उसको याद रखो एज इट इज। आप एनसीईआरटी में भी रेफर करोगे तो मैंने एज इट इज एनसीईआरटी में जो डेरिवेशन दिया है वही कॉपी पेस्ट किया है, एज इट इज नोटेशन भी वही है, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी एनसीईआरटी भी अगर आप रीड करोगे तो, ठीक है ना। तो ये अपना डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये क्वेश्चन जो है मेजर क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर में से, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है।